Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IAS platform. And today we are going to cover the fourth week of August, important current affairs, Haryana specific. Let's begin with the session. जो हमारा first important aspect है, मतलब news है, that is related to a scheme. अब ये जो scheme है, आपके prelims के लिए important है, ठीक है? Prelims के लिए important है, हर हित store scheme. अब देखिए क्या होगा कि इस स्कीम के तहत लगभग इनिशियली जो फर्स्ट फेज की बात की जा रही है कि इनिशियली 2000 स्टोर्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे. ये स्टोर्स जो होंगे दोनों एरियाज के लिए होंगे, इज इट रूरल भी और अर्बन भी. इनफैक्ट रूरल एरिया में ज़्यादा इसको स्टोर्स को ओपन किया जाएगा, अर्बन में थोड़ा कम किया जाएगा. तो ये स्कीम है दोनों एरियाज के लिए, अर्बन रूरल के लिए. यहाँ इस स्टोर के अंदर अवेल कराया जाएगा डेली नीड्स के प्रोडक्ट, ठीक है? डेली नीड्स के प्रोडक्ट अवेल कराए जाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, रीजनेबल प्राइजेस पे होंगे, ठीक है? तो इनको जो है सेल किया जाएगा. ओके, नाउ ये जो स्टोर होंगे ये ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे यूथ के लिए, ताकि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपना एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स बन सके, और साथ ही साथ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, ताकि वो प्रोडक्ट अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच सके, अपना बिजनेस और एक्सपैंड कर सके. साथ ही साथ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं फॉर इंक्रीजिंग देयर बिजनेस. सो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस न्यूज़ कि ये स्कीम है जो रूरल अर्बन दोनों एरियाज में है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप याद रख सकते हैं, और इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं वो हमने सामने देख लिए, राइट? तो इतना हमारे लिए इस न्यूज़ का इम्पोर्टेंस था. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल स्पाइस मार्केट जो है वो सोनीपत सिरसा के अंदर स्टैब्लिश होने वाली है, इंटरनेशनल स्पाइस मार्केट, करेक्ट? अब ये जो इंटरनेशनल स्पाइस मार्केट है ये एक ऐसी फैसिलिटी है, मॉडर्न डे फैसिलिटी होगी, जहाँ पे आपको वेयर हाउसिंग कैपेसिटी मिलेगी, आपको कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी, एंड ऑब्वियसली ये कनेक्टिविटी इसकी अच्छी होगी, राइट? और साथ ही साथ जो ये मार्केट है, ये मार्केट बेसिकली एक तरीके से स्टेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस इन्हांस करने की कोशिश ज़रूर करेगा, और जीएसटी जो है जनरेट मोर जीएसटी, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. तो ये एक सिंपल सा एक प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल स्पाइस मार्केट कहाँ पे आने वाली है, करेक्ट? चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है, एक फटकार लगाई है. बहुत सारे ऐसे वेब पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे एक मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ का एक ट्रेंड चल चुका है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरीके से स्टेटमेंट जारी किया है कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते, जो आप फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप इस तरीके से करते हो इससे क्या होता है, इससे कंट्री की जो इमेज होती है वो डैमेज होती है. तो ये अनचेक्ड नहीं रहना चाहिए, इसको चेक करके ही आप आगे जाके इसको स्प्रेड कर सकते हो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू योर फेक न्यूज़, जो सारा जो कंटेंट होता है वो इधर से आपको एनरिच कर सकते हैं उस कंटेंट को. देखिए तो पॉइंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कहा है कि बेसिकली वो सेक्शन ऑफ मीडिया जो वेब पोर्टल्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, फेक और कॉमनली कलर्ड न्यूज़ जो है, फैब्रिकेटेड न्यूज़ जो समथिंग रिलेटेड टू स्पेसिफिकली टारगेटिंग द कम्युनिटी, ठीक है, वो जो है न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलाई जाती है न्यूज़ चैनल्स के अंदर और वेब पोर्टल्स के अंदर, उसके रिगार्डिंग चीज़ें बोली हुई हैं. तो ये जो एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ कौन से हैं, जैसे यूट्यूब आपने देखा होगा, ट्विटर है, फेसबुक है. इनफैक्ट हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, जैसे आपने न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, वहाँ पर भी ये जो कॉमनली टारगेटेड ये जो कमेंट्स होते हैं या न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चलाई जाती है. इससे कम्युनल हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को एक तरीके से एक दूसरे एंगल से देखती है, एंटी ऐसे एंगल से देखती है जिससे हार्ट रेट और बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली एक प्रोपोगेट अ डिस्टॉर्टेड नैरेटिव कि ये कम्युनिटी एक टेररिस्ट को फैलाने वाली कम्युनिटी है, टेररिज्म फैलाने वाली कम्युनिटी है. ये जो नैरेटिव होते हैं ये इन्हीं न्यूज़ से लोगों के दिमाग में आते हैं, राइट? इसके बारे में मैं आपको ज़रूर इसके अगेन नेक्स्ट उसमें बताऊँगा.
ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए देर इज़ अ स्टैटिस्टरी मैकेनिज्म, एक एक्ट है विच इज़ वी कॉल इट एज केबल टीवी नेटवर्क एक्ट, ये रेगुलेशन है। इट इज़ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ये एक्ट तो है आपके एग्जिस्टेंस में, ये एक्ट है, बट ये इतना ज़्यादा बेसिकली रेगुलेट नहीं कर पा रहा चैनल्स को, सो वी नीड समथिंग मोर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बहुत तगड़ा मैकेनिज्म की ज़रूरत है ताकि इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाए प्रॉपरली, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपने देखा होगा 2020 का टाइम था, COVID-19 का टाइम था, और जब आउटब्रेक हुआ था COVID-19 का, तो आपको पता है उस टाइम पे तबलीगी जमात जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, आपने देखा था न्यूज़ चैनल्स में था, पोर्टल्स में था, फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह तबलीगी जमात के बारे में बोला जा रहा था, और इनको एक टैगलाइन दे दी गई थी कि ये जो है एक कोरोना वायरस सुपर स्प्रेडर है। सो इनकी वजह से पूरी की पूरी जो इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक तरीके से दिखना शुरू हो गई थी कि ये जो है ये पूरी इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी है विच इज़ अ कोरोना वायरस सुपर स्प्रेडर, उस टाइम पे इस तरीका का माहौल बन चुका था। ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है कि इस तरीके से उसको बना दिया गया था, तो ये सब गलत था, ये सब बहुत ही एक तरीके से एक नैरेटिव जो है वो तैयार कर दिया गया था। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द अनरेगुलेटेड न्यूज़ या अनचेक्ड न्यूज़ जो फैलाई जा रही थी वेब पोर्टल या फिर अपने ये जो मीडिया चैनल्स हैं उनके द्वारा, तो ये बहुत ही गलत चीज़ हुई है। इसको कम्प्लीटली जस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस वॉज एक्चुअली नॉट गुड, ये इमेज ऑफ द कंट्री के लिए बहुत ख़राब है, ठीक है। इसके अलावा जो मिडिल पाथ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मिडिल पाथ इसका यही होगा कि आप इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कहा है, और रेगुलेशन थ्रू अ रेगुलर एडवाइजरी एंड वार्निंग, तो ये आपको रेगुलर करनी ही पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल दीज फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हमारी, वो उसको एक मैकेनिज्म लाना ज़रूरी है। वो मैकेनिज्म कौन सा है? सेल्फ करेक्शन वाला मैकेनिज्म, कि ये न्यूज़ ठीक है, उसको अगर थोड़ी सी बुरी है, मतलब कम्युनल हैट्रेड फैला रही है या कुछ फेक न्यूज़ फैला रही है, उसको खुद ही सेल्फ करेक्शन करने का मैकेनिज्म इनके पास होना चाहिए। बट अगर ये काम नहीं कर पाता, अगर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, टू मेक अ जुडिशियस इंटरवेंशन, एंड जो होगा उसको नेम किया जाएगा, जो भी स्प्रेडर ऑफ फेक न्यूज़ है नेम्ड एंड शेम्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये गवर्नमेंट का स्टैंड है, इस तरीके से गवर्नमेंट ने इस तरीके से बोला है। इनफैक्ट मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास नहीं होना चाहिए, ये एक हर इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, रिसीवर के पास होना चाहिए, जो फेक न्यूज़ को पढ़ रहा है, और उसको सेल्फ करेक्शन तो करे ही करे, और आगे उसको स्प्रेड होने से बचाए भी, मतलब उसको आगे जाके उसको प्रमोट भी ना करे, ठीक है। तो ये एक रिसीवर के एंड पे भी होना चाहिए, और ये जो गिवर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके एंड पे भी सेल्फ करेक्शन होना चाहिए और रिसीवर के एंड पे भी सेल्फ करेक्शन होना चाहिए, करेक्ट। चलिए, सो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ ये जो टॉपिक है फेक न्यूज़ मिस इन्फॉर्मेशन, ये इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेट शटडाउन। सो आपको पता है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर वैली है, इंटरनेट शटडाउन राइट। सो जम्मू कश्मीर वैली है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में इंटरनेट शटडाउन रहता है, वैली के अंदर शटडाउन रहता है, और इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। इकोनॉमिक अगर वैल्यू की बात करें तो वी आर द थर्ड मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बिकॉज ऑफ इंटरनेट शटडाउन। लोगों के बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं, लोग बिजनेस नहीं कर पाते, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इंटरनेट शटडाउन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये इंटरनेट शटडाउन कहीं ना कहीं इसका जो फंडामेंटल है, दैट इज़ ऑल्सो फेक न्यूज़ को रोकना, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना। तो आप इसको फेक न्यूज़ के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कुछ हद तक एक पॉइंट बन सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका डेटा आया है 2020 के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे प्रिलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसका जो डेटा है वो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। सो
क्राइम इन कोविड टाइम लॉकडाउन, तो कैसा क्राइम राइज हुआ है, कम हुआ है, ये हम लोग देखेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट है। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है कि जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं उनमें तो ऑब्वियसली गिरावट आई है। फ्यू ट्रेडिशनल क्राइम्स हुए हैं, जैसे कि कमिटमेंट अगेंस्ट, बेसिकली क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर्स, बट विटनेस हुआ है बिग स्पाइक इन द सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स। सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो हमारे सिविल लॉज हैं, जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा लॉकडाउन के टाइम पे प्रोटोकॉल बन गए थे, लॉकडाउन के टाइम पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी थी, जिसकी वजह से लोग जो थे इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो उनको जो प्रोटोकॉल्स थे, रेगुलेशंस थी, उनको तोड़ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक नया एक्सपीरियंस था, राइट? तो बहुत सारे उस टाइम पे बहुत सारे सिविल लॉज जो थे वो ब्रेक हुए थे इंटेंशनली अनइंटेंशनली। तो इसीलिए सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स की हम लोग बात करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिग इंक्रीज हुआ है, बट अगर बाकी जो ट्रेडिशनल क्राइम्स की बात करें तो उतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ है। अच्छा, अब इसमें हरियाणा का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखिए, हरियाणा अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2020 फिगर्स, इसमें क्लियरली ये बोला गया है हरियाणा रिकॉर्डिंग द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड, मतलब सुसाइड के लिए प्रेरित करना, उकसाना, ये हरियाणा ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस जो है रिकॉर्ड किए हैं, और साथ ही साथ दलित मर्डर से रिलेटेड ये भी रिकॉर्ड किया है। एंड सेकेंड हाइएस्ट डाउरी डेथ्स जो है वो बेसिकली हरियाणा से मिलती हैं। सो अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा 2020, इसके फिगर्स बहुत क्लियर कट ये कहते हैं हरियाणा ने जो है मोस्ट केसेस जो हैं अबेटमेंट टू सुसाइड एंड दलित मर्डर्स वो रिसीव किए हैं मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, एंड सेकेंड हाईएस्ट जो डाउरी डेथ्स वाले केसेस हैं वो हरियाणा के खाते में गए हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, ठीक है? तो ये डेटा है। ओके, नाउ अगर हम लोग एनसीआरबी रिपोर्ट की पॉइंट्स की बात करें, तो एज फार एज द सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब राइट्स की बात करें, सो कम्युनल राइट्स हुए हैं। कम्युनल राइट्स के हिसाब से देखें तो देर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 96% इन 2020 ओवर द प्रीवियस ईयर। सो यू कैन सी कि वो कम्युनल जो हैट्रेड है वो बढ़ती गई है, और उसकी वजह से कम्युनल राइट्स हुए हैं, और उसकी वजह से इंक्रीज हुआ है 96% का इन 2020 में, करेक्ट हो गया? हाँ, तो अब ये एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो रिलेटेड टू, अब देखिए ये जो पूरा डेटा है, ये डेटा whenever there is a issue related to SCST, whenever there is a related issue related to women या development से related हम लोग issue की बात करते हैं, या फिर gender specific issues की बात करते हैं, तो हम लोग अपना point justify करने के लिए, या crime से related कोई भी point आएगा उसको justify करने के लिए, we can use some important data of NCRB, वहाँ पे NCRB का data आपका use हो सकता है। अब देखिए कम्युनल राइट्स की बात करेंगे तो आपको पता है दिल्ली पुलिस अलोन रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरप्राइजिंगली डिड नॉट रिकॉर्ड अ सिंगल केस ऑफ कम्युनल वायलेंस इन 2020, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने तो सबसे ज़्यादा कम्युनल वायलेंस के केसेस देखे हैं, ठीक है? उसके बाद कास्ट, अगर राइट्स की बात करें, कास्ट स्पेसिफिक वायलेंस की राइट्स की बात करें, तो देर इज इंक्रीज ऑफ क्लोज टू 50%। एग्रेरियन राइट की बात करें 38%, एंड राइट्स ड्यूरिंग आंदोलन एंड मोर्चा इंक्रीज बाय 33%। तो ये डेटा है, ज़रूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ट्रेडिशनल क्राइम्स की बात करें तो ट्रेडिशनल क्राइम्स में कौन से क्राइम्स होते हैं, जैसे वुमेन, चिल्ड्रेन एंड सीनियर सिटीजन, थेफ्ट हो गया, बर्गरी हो गया, रॉबरी, डेकॉटी, इसमें आपको ड्रॉप मिलेगा। सो देर इज़ अ डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल क्राइम्स, देर इज़ अ डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल क्राइम्स, अंडरस्टैंड? अब एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है कि दिल्ली इज़ द मोस्ट अनसेफ सिटी फॉर वुमेन। दिल्ली क्या है, मोस्ट अनसेफ सिटी है वुमेन के लिए, बिकॉज यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो सबसे ज़्यादा रिसीव हुए हैं। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, विच स्टेट और विच यूटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट अनसेफ फॉर द वुमेन, ठीक है? इसके अलावा इसके अलावा ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपको प्रिलिम्स से पूछा जा सकता है कि एज फार एज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एज फार द एनसीआरबी डेटा इज कंसर्न। सो उसमें स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनल क्राइम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एनसीआरबी रिपोर्ट
दे हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 2 लाख. तो दे हैव नॉट बीन इंक्रीज बाय 2 लाख, दे एक्चुअली उसमें क्या है, डिक्लाइन आया है. और इस तरीके से कोई भी इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा सकती है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. एक स्टेटमेंट ये पूछी जा सकती है कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड ऑफेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट. एग्जैक्टली, सो दे हैव बीन इंक्रीज हुए हैं 78.1%. अब देखिए, परसेंटेज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी कि कौन से एरियाज में इंक्रीज हुआ है, कौन से एरियाज में डिक्लाइन हुआ है. साइबर क्राइम में ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है, इतना साइबर क्राइम्स में इंक्रीज हुआ है. अब बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. तो स्टेट के अगेंस्ट किस किस का क्या ऑफेंसेस इंक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है. तो अगर बात करें, सो देर इज़ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन केसेस रिलेटेड टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. सो ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, याद रखिएगा. इन्वायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स में इंक्रीज हुआ है, साइबर में इंक्रीज हुआ है, बट ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट देर इज़ अ ड्रॉप इन केसेस, करेक्ट. बट अगर हम लोग यूपी की बात करें, तो यूपी की बात करते हैं, तो यूपी वॉज द ओनली मेजर स्टेट, इट इज़ द ओनली मेजर स्टेट जिसने इंक्रीज इन दिस कैटेगरी देखा है. ठीक है, कम्युनल वायलेंस से रिलेटेड जो क्राइम्स है वो वहाँ पे यू विल नॉट फाइंड यूपी का मेंशनिंग. व्हाई? वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. बट यूपी का अगर हम लोग ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के कैटेगरी में देखें, तो यूपी जो है वो अकेला एक मेजर स्टेट है जिसने इंक्रीज देखा है कैटेगरी में. तो यहाँ पे बहुत तरीके से प्रिलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, मेंस में भी डेटा आप इसका बहुत तरीके से यूज कर सकते हो. मोस्टली ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है वहाँ पे जो डैमेज हुआ तो उसको हम लोग ने कैटेगराइज कर दिया है ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट. तो इस वजह से ये सारे जो है यूपी का मेजरली यहाँ पे मेंशनिंग हो रहा है, क्योंकि यूपी में काफ़ी ज़्यादा एन टी सी ए प्रोटेस्ट चले थे. तो ये प्रोटेस्ट चले थे, इस वजह से जो है वो जो ऑफेंस जो किया गया अगेंस्ट स्टेट कर दिया गया, और यूपी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका नाम है. नाउ अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ ओनली फॉर योर प्रिलिम्स प्रस्पेक्टिव कि एनसीआरबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, पहला पॉइंट. दूसरा, इट वॉज सेटअप इन 1986. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. देखिए, ये पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आती है. एनसीआरबी आती है एमएचए के अंदर. ठीक है, तो आप ज़रूर इसको याद रखेंगे. सो बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द क्राइम एंड क्रिमिनल्स, उसको बेसिकली उसको कलेक्ट करती है, और जो आगे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको प्रोवाइड भी कराती है एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. इसको सेटअप किया गया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन 1977-1981 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, और एमएचए टास्क फोर्स के तहत. तो इसको इनके रिकमेंडेशन के तहत जो है एनसीआरबी को सेटअप किया गया था. इसका काम ये होता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, जो हमने लगभग काफ़ी हद तक कंप्लीट भी करा, कि कॉम्प्रिहेंसिव डेटा स्टैटिस्टिक्स जो है फैक्ट फिगर्स के साथ वो लेकर आती है क्राइम से रिलेटेड, और इसको जो है जो हैविंग बीन पब्लिश सिंस 1953 द रिपोर्ट सर्व्स एज अ क्रूशल टूल इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री. तो आप ज़रूर इसको याद रखेंगे, एनसीआरबी के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट और इसका एस्टैब्लिशमेंट किसके अंडर आती है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, करेक्ट. चलिए, नाउ एक न्यूज़ है रिलेटेड टू हिस्ट्री. तो ये जो न्यूज़ है दैट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये न्यूज़ आती रहती है आपके पेपर्स के अंदर, आती रहती है न्यूज़पेपर्स में, आती रहती है. राखी घड़ी के रिगार्डिंग जो है ये न्यूज़ है जो अब व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि प्रिलिम्स के हिसाब से देखें तो ये जो साइट है आईवीसी की न्यूज़ के अंदर है, तो इससे रिलेटेड आपका आईवीसी से रिलेटेड, नॉट स्पेसिफिकली कि राखी घड़ी से ही रिलेटेड आपका प्रिलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, आपका पूरी की पूरी आईवीसी से ये सवाल पूछा जा सकता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी. तो ये एक हिस्ट्री प्रस्पेक्टिव में हमारा प्रिलिम्स का एक इम्पॉर्टेंट है कि रिसेंटली क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है राखी घड़ी के और एक्सकावेट करने का. दिस वॉज द न्यूज़. बट हम लोग थोड़ा सा राखी घड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट
इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। अगर और साइट्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास हड़प्पा है जो फर्स्ट एक्सकवेट किया गया था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मोहनजोदारो हो गया, गन वरी वाला हो गया इन पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात में हो गया, ये आपने IVC की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपने देखी भी होंगी, मतलब पढ़ी होंगी NCERTs में या रेफरेंस बुक्स के अंदर। नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट द राखीगढ़ी इज, पहला तो पढ़ लिया कि इट इज़ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। जहाँ तक बात करें, दिस साइट वॉज एक्सकवेटेड बाई द अमरनाथा अमरेंद्रा नाथा बाय ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे ये मेम्बर, अमरेंद्रा नाथा के द्वारा ये एक्सकवेट की गई है राखीगढ़ी। ठीक है, तो इतना आप ज़रूर याद रखेंगे। नाउ आप ये चीज़ देखिए कि इस साइट के रिलेटेड क्या क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं जो पहले हो चुकी हैं, अभी तो बस आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ा सा और उसको एक्सकवेट करने की एक शुरुआत कर रहे हैं दोबारा से, तो न्यूज़ के अंदर आगे तो मैंने आपको बता दिया। वैसे इसकी अगर हम लोग सेटलमेंट की बात करें ये राखीगढ़ी की, सो बेसिकली इट कम्स अंडर द मेच्योर हड़प्पन फेज के अंदर यह आती है। मेच्योर हड़प्पन फेस, अर्ली फेस, मेच्योर फेस और जो आपका मीडियम बीच का जो फेस था, ठीक है, उसके अंदर मेच्योर हड़प्पन फेस के अंदर राखीगढ़ी आती है, जहां पे आपको प्लान्ड टाउनशिप मिलेगी। ओके, और इसमें एक खास चीज ये है कि ये जो टाउनशिप होगी यहां पे आपको कॉम्बिनेशन दोनों का मिलेगा, किसका, एक मड ब्रिक का मिलेगा और दूसरा बर्न्ड ब्रिक का। तो मड ब्रिक के भी होंगे आपको टाउन कंस्ट्रक्शन और बर्न्ड ब्रिक की भी टाउन कंस्ट्रक्शन होगी, और ड्रेनेज सिस्टम इनका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा। इसके अलावा हम लोग बात करें सील्स एंड पोटरी की, तो सिलेंड्रिकल सील्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है विथ 5 हड़प्पन कैरेक्टर, एक साइड 5 हड़प्पन कैरेक्टर होंगे, दूसरी साइड आपको एलिगेटर का सिंबल मिलेगा। ठीक है, एलिगेटर का सिंबल मिलेगा। सो वॉट वी हैव रेड अबाउट दिस राखीगढ़ी इज, इट इज़ इन हरियाणा, वी नो दैट ये मेच्योर हड़प्पन फेज के अंदर आती है। बर्न्ड ब्रिक मड ब्रिक दोनों के कॉम्बिनेशन से इनका टाउनशिप प्लानिंग हुई है विद द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। सील्स एंड पोएट्री की बात करें तो सिलेंड्रिकल सील्स जो हैं विद द 5 हड़प्पन कैरेक्टर एक तरफ है, दूसरी तरफ एलिगेटर है। और इतना आपको समझ आ गया होगा राखीगढ़ी के बारे में, बट थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे और भी साइट्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो आ गई हमारी राखीगढ़ी, ठीक है, इसके अलावा मीताथाल जो है ये प्रिलिम्स UPSC प्रिलिम्स में IVC से रिलेटेड सवाल था और पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग IVC साइट्स आर नॉट समथिंग रिलेटेड टू आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट IVC साइट्स, उसमें एक मीताथाल भी था। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको याद रखेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स ने UPSC का पेपर दिया था उसमें ये जो है ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। धोलावीरा आ गया, उसके बाद सुरकोटाडा हो गया, लोथल हो गया, ठीक है, उसके बाद चन्हूदारू, कोट डीजी, मोहनजोदारो, ठीक है, उसके अलावा अमरी आ गया, ठीक है, सो बालाकोट है, ठीक है, हड़प्पा है, मांडा है, कालीबंगन है, बनावाली है, रोपड़ है, तो ये काफ़ी साइट्स हैं जो आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, इनके ऊपर ज़रूर सवाल पूछा जा सकता है प्रिलिम्स के हिसाब से। नाउ एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे कि आपने मुझे ये बताना है कि विच आईवीसी साइट कंसिस्ट ऑल दीज फीचर्स, आपको कौन सी IVC साइट के अंदर ये सारे फीचर्स मिलेंगे। जैसे पोर्ट टाउन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको राइस का भी एविडेंस मिलेगा, आपको फायर अल्टार, ग्रेवयार्ड, आइवरी वेट बैलेंस एंड कॉपर डॉग। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा कमेंट के अंदर ही। ठीक है, तो कौन सी ऐसी साइट है जहां पे आपको ये सारे कैटेगरीज मिलेंगी। ठीक है, एविडेंस ऑफ राइस आपको एक रंगपुर में भी मिलता है, एविडेंस ऑफ राइस आपको रंगपुर के अंदर भी मिलता है। ठीक है, सो आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, अगर जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उसको ऑप्शन बगैर ऑप्शन के ही वो आंसर निकाल सकता है कि हाँ ये जो जो टाउन है कौन सा टाउन है, विच इज़ पोर्ट टाउन है, पोर्ट टाउन के बेसिस पे आपका आंसर निकल सकता है, बाकी तो सेकेंडरी चीज़ें हैं पोर्ट टाउन के बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट इज, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू योर प्रिलिम्स एस्पेक्ट, कि बेसिकली क्या है, हरियाणा को रिसेंटली अवार्ड मिला है फॉर दी आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन किया है इसने नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत।
सो इसका आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके 2020-21 तक इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. सो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के तहत उनकी क्वालिटी को मेंटेन किया है, उनकी क्वालिटी को एश्योर किया है. जो जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स तय किए गए थे नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत, तो उसके हिसाब से जो है वो खरे उतरे हैं हरियाणा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. तो हरियाणा को ये अवार्ड मिला है. इनफैक्ट ये फर्स्ट रनर अप रहा है फॉर द अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंदर. ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. ठीक है, इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अवार्ड मिला है ये बेसिकली इसीलिए मिला है बिकॉज ऑफ इन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया है. अब रोगी सुरक्षा सप्ताह या पेशेंट सेफ्टी वीक, अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो इसको एक तरीके से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बट पॉसिबली ऐसा कि रोगी सप्ताह जो वीक है, पेशेंट सेफ्टी वीक जो है वो सितंबर 11 से लेके 17 तक मनाया जाता है. तो यही इसी इन्हीं दिनों में बेसिकली इनको ये प्राइज़ मिला है. ठीक है, सो आप याद रखेंगे इसको. नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये है, इट इज़ रिलेटेड टू योर मेन्स एस्पेक्ट. ये एम्प्लॉयमेंट इशू से रिलेटेड है. ठीक है, सो हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया. नाउ ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फाइंडिंग है, ये फाइंडिंग की गई है बाय CMIE, दैट इज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के तहत बोला जाता है कि हरियाणा का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में. इसकी फाइंडिंग देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस कि राजस्थान है. ठीक है, राजस्थान है एंड हरियाणा है. दीज आर द ओनली टू स्टेट्स जिनका 20% से भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. हरियाणा जो है वो पहले भी इस तरीके से हैज़ बीन प्लेस्ड एट नंबर वन फॉर इट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले भी. ठीक है, अब झारखंड जो है वो तीसरे स्पॉट के अंदर आता है. झारखंड इज़ एट थर्ड स्पॉट विद द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 16% एंड अदर स्टेट्स जो है उनका इनसे कम ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. नाउ ये जो डेटा आया, ये जो रिपोर्ट आई, ये एकदम हरियाणा गवर्नमेंट ने तो उसको एकदम से सिरे से खारिज कर दिया. ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट फैब्रिकेटेड रिपोर्ट. बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ड्यूरिंग द कोविड हरियाणा ने डिसाइड किया था कि वी आर गोइंग टू दे हैड टेकन द डिसीजन कि हम लोग जो है जो रीजन है हरियाणा में, हरियाणा के जो लोग हैं उनको ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. और ये इशू काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक मुद्दे का, बहस का मुद्दा बन चुका था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ें हैं, एक्ट्स हैं, उनके अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है सिर्फ अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है, उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो रख दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्व्ड हो, आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद बात की चीज़ें. तो ये इस तरीके से था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है एज़ फार एज़ दिस रिपोर्ट इज़ कंसर्न. नाउ ये थोड़े से फाइंडिंग और है जो डिटेल के अंदर है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट 39% है, 39.69% अमंग द ग्रेजुएट, 32.9% अमंग दोज इन द क्लास 10 to 12 स्टैंडर्ड. तो ये थोड़ा सा एक ये रेट है. अब देखिए रेट जो है इज़ एट 37.08 एंड 25.59% इन द रूरल एंड अर्बन कैटेगरी. ठीक है, इट स्टैंड मेल की बात करें तो 25.27% है और फीमेल जो है वो 78.9% है ऑन दी बेसिस ऑफ जेंडर. सो व्हाट यू आर फाइंडिंग इज, कंक्लूजन इज कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अर्बन में ज़्यादा है, रूरल में कम है, और मेल की बहुत कम है. 25.27% अनएम्प्लॉयमेंट है और 78.9% जो है किसकी है, फीमेल्स की है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये डिविजन्स देखने को मिलते हैं. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो वो हमने अभी तक बात कर ही ली है. और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि व्हाट वर द रीज़न, मेजर रीज़न कि हरियाणा में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है. ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट अनेबल टू हेल्प दी MSME, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दोबारा से रिकवर करने के लिए, उनको इम्पैक्ट जो कोविड का पड़ा है उससे थोड़ा सा उनको हेल्प करने के लिए. ठीक है, तो वो उतना नहीं कर पाई गवर्नमेंट, इनएबिलिटी
इनएबिलिटी टू हेल्प द एमएसएमई टू रिकवर फ्रॉम द कोविड इम्पैक्ट. मोर ओवर जो रिजर्वेशन लॉस था जो मैंने आपको बताया भी था हैव ऑल्सो एक्सेलरेटेड नेगेटिव सेंटिमेंट इन द सर्विस सेक्टर. ऑब्वियसली ये चीज़ आप भी बता सकते हैं कि अगर रिजर्वेशन कर दिया जाए एंड ओनली हरियाणा का जो यूथ है जो उसका डोमिसाइल है वही प्राइवेट सेक्टर में अपना एम्प्लॉयमेंट लेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि बहुत सारी जो हरियाणा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आएगी जो इन्वेस्टर्स होंगे वो डरेंगे. वो ये सोचेंगे कि अगर हमारे को मान लीजिए एक हम लोग सर्विस सेक्टर शुरू कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग को बेस्ट स्किल्ड वर्कर्स चाहिए बेस्ट स्किल्ड ग्रेजुएट्स चाहिए जो हरियाणा अगर नहीं दे पाएगा तो क्वालिटी में दिक्कत आ जाएगी. क्वालिटी में दिक्कत आएगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में दिक्कत आएगी तो वो फिर हमारा धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. तो बहुत सारे ऐसे एक डिलेमास थे एप्रीहेंशंस थी रिलेटेड टू द इन्वेस्टर्स ऑल्सो. तो इससे क्या हो गया इससे थोड़ा अब जो इन्वेस्टमेंट है हरियाणा में वो भी अब कम आ रही है. ठीक है ओके. सो अल्टीमेटली CMIE के रिगार्डिंग बात करें सो इट इज़ अ इंडिपेंडेंट थिंक टैंक. इट इज़ अ लीडिंग बिजनेस इन्फॉर्मेशन कंपनी है. एस्टैब्लिश हुआ था 1976 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है इट प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट डेटा बेस ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज लार्जेस्ट सर्विस टू एस्टिमेट द हाउस होल्ड इनकम्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. बट इट इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड. ठीक है इट इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड प्रोफेशनली मैनेज कंपनी. हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है. दिस इज़ वॉट यू हैव टू जस्ट थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा. ठीक है चलिए. सो आज की क्लास में इतना ही एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट वीक ऑफ हरियाणा करंट अफेयर्स. ठीक है थैंक यू.